सभी भाइयों को नमस्कार। भाई मेरा नाम अक्षय शर्मा और ये मेरे भाई सोनू और एक ये इकबाल खान। भाई मैं ये कह रहा था, हम गाड़ी चलाते हैं कंपनी की, हम गुड़गांव से बेंगलोर के लिए आते हैं और रास्ते में अहमदनगर पड़ता है, अहमदनगर जहां पर लूट घसूट, मतलब ड्राइवरों के साथ मारपीट, बदतमीजी, ये सब हो रहा है। अगर उनके मुंह मांगे उन्हें 500 रुपए दो, जो 60 रुपए की टोल की पर्ची है वो देते हैं उस पर्ची को 240 रुपए में। हम तो ये कह रहे हैं भाई ऐसा ना करो कि जितने मराठी हैं सब बदनाम हो जाएंगे, फिर लाइन में फिर हम गाड़ी रोकने के नहीं है, फिर सीधा चढ़ा के जाया करेंगे। आदत पुरानी है, लाइसेंस है भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग थाने बंद होंगे, कल हमारी जमानत हो जाएगी, लाइसेंस हमें कोई टेंशन है नहीं। मगर ये लोगों को ये पहुंचाओ ये मैसेज, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा होगा आपको, सही से देख लो, दूसरी पर्ची दिखाओ, ये देखो, टाइम भी देखते रहो आप, ये देखो, ये देखो, चार चार पर्ची देते हैं भाई लोग और ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करते हैं। मेरा ये कहना है ये जहां तक पहुंचाया जाए मैसेज पहुंचाओ, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर का है जो कला दादागिरी की पर्ची ये लिखा हुआ है, इस पर आप पढ़ लो, आप हम लोग अनपढ़ गंवा रहे थोड़ा, ये पर्ची है 60 रुपए की पर्ची है, ये देख लो ये लिख रहा है, और इसके लिए जाते हैं 240 रुपए। अगर 240 ना दो तो मार खाओ और उनकी बदमाशी और सुनो। ये मैसेज जहां से जहां तक पहुंचाया जाए वहां तक पहुंचाओ। क्यों ये आर्मी कैंट के अंदर टोल लगा हुआ है, आर्मी कैंट के अंदर? मुझे तो ये बताओ कि आर्मी कैंट वाले करवाते हैं या कौन करवाता है, ये बात जरूर जवाब देना भाई लोगों। ये मैसेज जहां तक हो वहां तक पहुंचाओ, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई। ओके, जय हिंद जय भारत।